चैनल और फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो अब हम लोग जा रहे हैं आज शिवम की भाभी से मिलने, जो शिवम की नई वाली भाभी है, जिनकी शादी के लिए हम इतनी दूर से आए थे भोले भटके। तो अब वो आ चुकी है, हम लोग रात को ही आ गए। अब लोग हम लोग जाएंगे शिवम की भाभी से मिलेंगे और उनको थोड़ा छोटा सा गिफ्ट लाए उनके लिए, वो देंगे। और उसके बाद हम लोग, कल हमें जाना है वापस दिल्ली, लौट जाएंगे हम अपनी नगरी जहाँ से हम आए थे। तो इसलिए आज हम लोग सब कुछ निपटा लेंगे और उसके बाद हम एक और मंदिर जाएं, शायद अभी उसका कंफर्म नहीं। उसके बाद फिर से मेरे मामा के घर जाएंगे। तो अभी आज का सारा चीज ये सब है। तो चलते हैं एंड मिलते हैं शिवम की भाभी से और उनसे बातचीत करते हैं। ठीक है, आगे ये मामा की फर्नीचर गाड़ी, लेकिन मामा की फर्नीचर गाड़ी ने हमारा साथ दिया है। बात सुनिए पहले, मैं रहता घूमती बात। हाँ सही में, फट से उठा के और चल दे रहे हैं। कहीं भी नहीं रहता तो फिर हम एक किसी को ढूंढना पड़ता कि हाँ आओ हमें लेके चलो, तो वो चीज नहीं है। मैं गाँव आने के बाद फिल्टर की जरूरत पड़ नहीं रही मेरे चेहरे पे, और ऐसे बिना फिल्टर के अच्छी अच्छी लग रही। हाँ पहले थोड़ा सा फिल्टर डालती थी क्योंकि यहाँ पे ना प्रॉपर लाइट मिल रही है, डायरेक्ट फेस पे आ रही है, इसीलिए वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा होता है, तो इसलिए थोड़ा सा क्वालिटी बेकार हो जाती है। तो प्लान में चेंज आ गया, हम शिवम के घर नहीं जा रहे हैं, हम शिवम के घर बाद में जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं कहाँ पे बोलो अमन? कितने बज, हमारे यहाँ पे एक बजरंग बली हनुमान मंदिर है। कितने फिट के? 54 फिट की उनकी मूर्ति बनी हुई है। अभी वो हम वहाँ पे जाके देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे, मैं भी पहली बार देखूंगी और आपको भी पहली बार दिखाऊंगी और ये भी पहली बार देखेंगे दिखाएंगे इनको भी। 54 फिट के हैं वो, हमारे घर के बहुत पास ही हैं वो भी। कहाँ, कौन हुआ मोड़ पे माधु मठ, कौन कौन है माधु मठ का? गाड़ी चला चला के थकान हो गई है जी जी को, नींद आ रही। तू बता क्या हुआ था थावे में? बबनी को देख के बोल, थावे में मुझे किसी ने देखा था और ने बोला अरे अच्छा बबनी को, बबनी को देखा था और बबनी को देख के एकदम कह रहे अरे ये तो निक्की दीदी की बबनी है। फिर एकदम से मैंने एंट्री ली तो बोले कि अरे ये तो निक्की दीदी की एंट्री ली, जीजू ने एंट्री ली थी, जीजू ने अरे ये तो जीजू है, पर वो हमारे पास नहीं आए और हमने इसलिए कैमरे में रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। पर वो उनके मतलब बहुत तेज तेज आवाज में आई, तो वो मैंने नहीं सुना, इन्हीं लोगों ने सुना था, ये लोग मुझे बता रहे थे। हाय एवरीवन, तो आज मैं आ गई हूँ बिना मेकअप के एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको ये लगता है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि बिना मेकअप के बिना फिल्टर के मैं चुड़ैल टाइप्स लगती होंगी या बहुत ही गंदी लगती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज की जो वीडियो है विदाउट मेकअप बिना लिपस्टिक, मतलब बिल्कुल ऐसे शूट किया जाए कि कोई अब कुछ कहने के लिए, मतलब उनको पता चले कि नहीं मैं बिना मेकअप के भी ठीक ठाक लगती हूँ, चुड़ैल तो बिल्कुल नहीं लगती हूँ। ये वर्ड मतलब बोला नहीं किसी ने, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बंदा, वो लोग ऐसे सोचते होंगे, तो उनको मैं बता दूँ। तो गाइज आज मैं आप सबके साथ बहुत ही स्पेशल चीज़ शेयर करूंगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि ममाअर्थ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मुझे कितने ज़्यादा पसंद है। ममाअर्थ ने अभी रिसेंटली अपने 3 बहुत ही सुंदर सुंदर पैकेजिंग के साथ कोल्ड क्रीम लॉन्च किए हैं एंड गाइज ये कोल्ड क्रीम इतने ज़्यादा अच्छे हैं ना कि आपकी स्किन को नेचुरली ग्लो करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ इसका जो लाइट वेट है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट फॉर्मूला है एंड पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। तो 3 मेरे पास रेंज है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी एंड मैं रिसेंटली अभी यही सारा यूज कर रही हूँ। मैंने अभी जो स्टार्ट किया है यूज करना, वो स्टार्ट किया है विटामिन सी यूज करना। 3 रेंज है, आपको जो भी परफेक्ट लगे अपने स्किन के अकॉर्डिंग आप ट्राई कर सकते हो। बट जैसे कि आपको पता है ना मेरे को एक्ने की प्रॉब्लम हो रखी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज्यादा एक्ने हो गए हैं, बहुत 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 ज्यादा, क्योंकि मैं शादी में गई हुई थी एंड मैंने भर भर के मेकअप किया था इसकी वजह से। तो अभी क्या है ना कि विंटर्स में ना हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ड्राई हो जाती है, चाहे वो हाथ हो, मतलब पूरी बॉडी की स्किन हो या फेस हो, सब चीजें बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो जैसे कि हम ठंड से बचने के लिए अपने आप को कवर करके रखते हैं, वैसे ही हम अपने फेस को भी
अच्छे से रखने के लिए कुछ ना कुछ हमें ठंड के टाइम में भी ट्राई करना चाहिए कि हमारा फेस भी सेफ रहे। सबसे ज्यादा जो ठंड होती है ना वो फेस पे ही लगती है, मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है फेस पे। एंड गाइज एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो ठंड है ना वो डायरेक्ट ऐसे फेस पे लगती है और उसकी वजह से जो हमारी स्किन है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो आपको टाइम टू टाइम अपने फेस पे कोल्ड क्रीम यूज करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो बॉडी क्रीम होता है ना वही फेस पे भी अप्लाई कर लेते हैं, बट ऐसा मत किया करो यार। ये ममाअर्थ का बहुत ही सही वाला, मतलब बहुत ज्यादा सही वाला प्रोडक्ट है। आप बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ट्राई कर सकते हो। अभी देख सकते हो मैंने इतना खत्म कर दिया है। ये विटामिन सी नरिशिंग कोल्ड क्रीम है विद विटामिन सी एंड हनी के साथ आता है ये वाला। एंड ये वाला रेंज बहुत ज्यादा सही है, सुपर्व रेंज है गाइस। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ। एंड इसका टेक्सचर आप देख सकते हो, काफी अच्छा टेक्सचर है। चलो अप्लाई करके दिखाते हैं। अभी मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है एंड मैंने फेस वॉश किया, बिल्कुल भी आपको चिपचिपा सा नहीं लगेगा। और देखो डेली अगर आपको डेली नहीं कर रहा है ना मेकअप करने का, मेरा कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे बिल्कुल मेकअप करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है मैं बहुत सिंपल रहूं कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आप ये कोल्ड क्रीम अप्लाई कर लो। एंड क्या करो आपको बताती हूँ, कोल्ड क्रीम अप्लाई कर लिया ठीक है, एंड आप नेचुरली मेरा स्किन देख सकते हो। एंड ये कोल्ड क्रीम इंडिया का फर्स्ट सर्टिफाइड कोल्ड क्रीम है, टॉक्सिन फ्री है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल का यूज नहीं किया गया है। लोग देख सकते हो काफी अच्छा हो गया है मेरा स्किन आफ्टर, क्योंकि स्किन इतनी ड्राई हो जाती है ना गाइस ठंडी में। एंड मैंने अपना सुंदर सा लगा लिया बिंदी और मैंने थोड़ा देख सकते हो ये लगा लिया है ना लिप बाम एंड रेडी। डेली मैं आजकल यही कुछ कर रही हूँ, बिल्कुल भी मेकअप नहीं कर रही हूँ, मन ही नहीं कर रहा है मेकअप करने का, तो मैं रेडी हो गई। तो मेरे पास चलो दिखाती हूँ कौन कौन से तीन रेंज हैं एंड क्या क्या इसकी स्पेशल चीज है जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ गाइज। आप ये कहाँ कहाँ से ले सकते हो मैं आपको बता दूँ, आप ममाअर्थ की वेबसाइट से ले सकते हो, अमेजोन नायका फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो Nikku2021 तो आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और एक और चीज, ममाअर्थ ने अपनी ऐप भी लॉन्च कर दी है जो कि आपको iOS एंड्रॉइड दोनों में मिल जाएगा, तो उसका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड एक और चीज, ममाअर्थ की गुडनेस पॉइंट कैसे भूल सकते हैं हम, गुडनेस इनिशिएटिव की बात तो जरूर करेंगे। तो ममाअर्थ का जो गुडनेस इनिशिएटिव है वो है प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जिसके तहत आप ममाअर्थ से कभी भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपके ऑर्डर को एक ट्री से लिंक किया जाएगा जो कि प्लांट करेंगे आपके बिहाफ पे, है ना अमेजिंग। एंड एक और चीज, ममाअर्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का। तो चलो आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। मेरा भी थोड़ा एक हनुमान जी जय श्री राम जय श्री राम। क्या हुआ दीदी का पैरवा हनुमान जी के पैर की तरह लग रहा है, वो हो गया ना ये प्लाजो पहनी हो। हाय ड्रामा फोटो खींचना अमन ऐसे। ये है मंदिर जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है ना। यहाँ पे किसी लोकल जो है यहाँ के मुखिया नहीं है, रतन सिंह जी ने बनाया, उनकी श्रद्धा। लेकिन बहुत बहुत सुंदर मंदिर बनाया है,
खेतों के बीच बनाया, अपनी प्रॉपर्टी पे जगह बनाया, इससे उनकी श्रद्धा का पता चलता है। बहुत ही अच्छी जगह बनाई है और यहाँ पे इतनी शांति से मिल रही है, बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई है ना। चलो मत लगी अंकल, आप इतना क्यों परेशान हो, इतना कांप रही थी मैं, बेचारी थर थर कांप रही थी। साथ नहीं तो लेना पड़ेगा क्या, ऑक्सीजन लगा देंगे अंदर आके हमारी नई तो बच्चा गया भैया, हमारी फाइनली नई नवेली दुल्हन से मिली है जिनकी कल शादी है। बेचारी इतना कांप रही थी, इतना डरी हुई थी। मामी वाला रिश्ता नहीं चलेगा, मैंने और भाई वो मामा ने पहले ही कर लिया था। हाँ भाई और भाभी वाला रिश्ता चलेगा, ये हमारा नया रिश्ता है। ठीक है, आप मेरी भाभी हैं। शिवम हमने के भाई बहन के रिश्ता चला ना, तो भाभी है हमारे। तो ये आपकी क्या लगेगी, मामी साथ लो शादी के अगले दिन ही आप सास बन गए। हम कपड़ा बदला तक क्यों हो लगी नहीं, ये आपकी माँ भी है, नानी है, ये आपकी नानी है। रवा घर खाली यही शाम के कोनो बात ना, मोदी जी के मोबाइल में ऐसी कट दे वो कनिया वाला खाना बनाया थोड़ा सा ज्यादा मत, एक और ऑफर में ले जल का ही जैसे चल ज्यादा मत बनाया, बात कर कर वो सीरियस है। धनवी धनवी को टाइम कर ले, मम्मी को बुला के लाओ, मम्मी को बुला के लाओ। और ये भाई का अरे रोक रोक की कर लो, मम्मी मम्मी हो ना, मम्मी को बुला। अरे ना दुकान पे पहनाओ। अच्छा नहीं पहनाऊंगी अभी, वो निकाल भाभी मामी तो मैं एक साथ निकल गए यहाँ से। ये वाला साड़ी तो जरूर सिलवा के पहने, नीचे वाला पहनो ना पहनो, ये वाला मुझे बहुत पसंद था। ठीक है ये भी पहन लेगा, घर में डेली यूज में पहन जाइएगा। नानी देखिए
दिल्ली में ये फुली डिजाइन मिलेगा लाने ऐसे ही फुली के नाई का देखा तो इनके सुपर मॉल ले रखी है ना हाय पीएल फाइनल शिवम के शादी में पहन जाए अभी सौरभ समय का बैंक किया शिवम शादी कब हुई अभी 10 साल हम कॉल में मत करा हां मैंने होप होप का जरूरी हमने के कहा था नहीं जान का हां इतना बड़ा होता है मैंने हमारे को नहीं किया वाला कौन बतिया होता है क्या कोई कौन सेवा सत्कार तो भाई सेवा सत्कार कौन बात देखिए और हाथ खाली नहीं के देख हमारा हाथ खाली नहीं के खाली सामान देने डिब्बा ना देने डिब्बा का काम होना चाहिए चलो भेज दिया आओ तनी देखिए क्या देखिए ये भी दिख रहा है डब्बा भी नहीं डब्बा नहीं ले रहा डब्बा भी दे रहा है अपना न्यू रिंग दिखाइए चल आ रही थी देखिए अगला बीट में थैंक यू सो मच आने के लिए तो छोटा पड़ गया था चाची के तो थैंक यू सो मच हमें बुलाने के लिए इतना प्यारा इतना इज्जत सत्कार इतना प्यार नहीं सच तारा ही साथ से ना हो सच पास के तारा ही साथ से ना हो लिया तो चुचू बोल के कर रहा है दीदी है देख कर जब डिजाइन नहीं के पसंद एक और है लाल नाम से ठीक रे बिहार में मैं तो बिहारी की जर्जर ना दी है बिहार में अच्छा है पागल है मजाक पता है यार भाभी अरे भाभी जी देखो वो कहां है क्या ये लो के ऊपर सब बंद कर कौन बात ना तबीयत खराब की वजह से हम लोग वैसा वाला रिश्ता निभा रहे हैं ना नानी दिल्ली में इतने मिले ये क्या अब ये दे दिया ना भाभी तरफ से सागुन है ज्यादा ड्रामा मत करो तुम देख रहे हो ये कौन सा गुण देता है अगर खाली था लेकिन हम ही तो भर हुई खाली रही तो फिर हमार गलती रही अपना हाथ है दीदी का अपना हाथ है तो दो दो ले अपना हाथ है दी सही सब मेरे तो हमारे के देते वाली सबसे बड़ा सही है कम ऑयल का कोई जवाब क्या कर रही है राजी हो रहा है हाँ, चल जाती है आराम से सुन ना और वो चूड़ा पिनवा दियो चूड़ा वो निकलवा के चूड़ा पिनवा दियो ओए होए पैसा मिल गया है पैसा मिल गया है उसको पता है कि नई नवेली दुल्हन है खोलियो देला कि कितना देले वाली होगा हाँ काका लहा जी न्यूज में रहा नहीं कॉलो करा ही कॉलो तो सोच रहे हैं तुरिया मिल जाता है बाले का लगा क्या बोलती है वैसे आई नया नया बिल्ली दुल्हन के लगा लाइक कितना गुरी आई रहा है बंदे में ऑन है अब फाइनली हम लोग अपनी दुल्हन से मिल चुके हैं और ये हमारी दुल्हन और ये दुल्हन बिल्कुल थक चुकी है बेचारी और अब जा रहे हैं कक्कन छुड़ाने अब देखते हैं हम लोग लेट हो गए तो हम लोग घर निकलेंगे और कक्कन छुटेगा ये अच्छे से फिर से रेडी होंगे अब तो आपको बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही होगी घर की याद आ रही है वही थी विदाई में कैसे ऐसे रो रही थी अभी तो दांत दिखा रही है पूरा 32 के 32 वो देखना है मुझे अब विदाई टाइम कैसे रोइए कैसे रोई थी रो के बताइएगा थोड़ा कैसे रोई
मैं तो दिल्ली में थी, मैं ऐसे इतने चिल्ला चिल्ला अंदर से नहीं उतना आवाज नहीं निकल, खुद से ही निकल जाता है। और आप पापा को पकड़ के रही थी कि मम्मी को ज्यादा? पापा को सारी लड़कियों का यही होता है, मेरी मम्मी को तो मैंने देखा ही था। गाना बजा रहा था क्या हुई थी कौन चटाइया बैठा तब तो और रोना आ रहा होगा। कुछ के चटाइया वो एकदम गांव वाला और फीलिंग आ रहा था जिसको नहीं भी रोने का मन। चलो भाई चलो चलो, तब हम लोग जा रहे थे कि अब आपसे मिलेंगे फिर कभी, कब मिलेंगे पता नहीं। हम लोग कल सुबह ट्रेन है हमारी तो अब इसलिए हम लोग जा रहे हैं, कुछ कुछ काम है थोड़े बहुत बोले पाएंगे उसके बाद चलेंगे। बाय बाय बोल दो भाई, आप आइए कभी दिल्ली मामा जी के साथ में। नहीं वो हमारे भैया है, भैया जी के साथ हमारी भाभी है। शिवम क्या कर रहे थे? नानी हम ना लेम, हम ना लेम, हम ना लेम। दमाल लोग इधर ढेर पूछवा। अबे हम आवत हैं तुम्हारी, हमें अभी तक गोपालगंज जाते हैं। आए दो काम क्या कौन टोला मोहल्ला रहा बोलो कौन जाए रानी बहु चाहिए रानी खोजले बानी ऐसे रानी खोजला नहीं। अब रानी की तरह रहना एकदम और उनको महारानी बना के दोनों रहना अपना आराम से। फाइनली हम लोग शिवम के घर को कर रहे हैं बाय बाय और हम लोग जा रहे हैं अपने घर। इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ेंगे हम आ रहे हैं। क्यों आएंगे आप रात को, हम चले गए, हमें बहुत अच्छा लगा शिवम के घर। शिवम ने हमें बहुत रिस्पेक्ट दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज हो गई है ना। और शिवम ने उसके साथ साथ हमें बहुत प्यारा गिफ्ट भी दिया। थैंक यू।